चलिए अब बात जन्मोत्सव की कर लेते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा का आज दौरा रहने वाला है। सीएम श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ करेंगे। तो सीएम मथुरा में कई योजनाओं का लोकार्पण भी करने वाले हैं। 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी जानकारी मथुरा में, दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम रहने वाला है, उनका दौरा रहेगा। 178 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और मथुरा में क्योंकि बड़े हर्षोल्लास के साथ पहले से ही जन्मोत्सव को लेकर जो तैयारियां हैं वो की जाती हैं, तो आज योगी आदित्यनाथ का मथुरा का दौरा, श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। और आपको बताएं कि कल यानी 26 अगस्त को देश भर में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है और ऐसे में आज उस जन्मोत्सव का जो शुभारंभ है वो किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और ऐसे में यहाँ पर बड़ी हर्षोल्लास और बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ जो लोग हैं वो इस जन्मोत्सव को मनाते हैं। ना केवल देश के दूर दराज से लोग पहुंचते हैं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं, भक्त आते हैं जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए और उसका साक्षी बनने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे और साथ ही साथ फीडबैक भी लेंगे कि क्या तैयारियां हैं। और देखिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहेगा और अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता देते हैं कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ का क्या क्या दौरा रहने वाला है, कहां पर क्या सौगात देने वाले हैं। बरसाना रोप वे, यमुना में क्रूज रोप वे और ऐसे में देखिए 5 जन्य प्रेक्षागृह, लक्ष्मण शहीद स्मारक और मल्टी लेवल पार्किंग, गोवर्धन तहसील भवन की भी सौगात देने वाले हैं। बरसाना कोसी गोवर्धन मार्ग का चौड़ीकरण होने की भी यहाँ पर सौगात दे सकते हैं और मथुरा वृंदावन मार्ग का चौड़ीकरण होगा, ये इसका भी वो लोकार्पण करेंगे। बरसाना रोपवे, यमुना और ये संचालन क्या होगा वो भी हम आपको बता रहे हैं। क्रूज का संचालन, यमुना में क्रूज का संचालन, इसकी बड़ी सौगात दे सकते हैं। 5 जन्य प्रेक्षागृह और इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग, गोवर्धन तहसील भवन की सौगात मथुरा वासियों को मिलने जा रही है। तो ये महासौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान देने वाले हैं मथुरा वासियों को, जिसका फायदा ना केवल मथुरा वासियों को मिलेगा, मथुरा में रहने वाले लोगों को मिलेगा बल्कि आसपास के सभी लोगों को, सभी क्षेत्रों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। और जो मथुरा का दौरा करेंगे उन्हें भी कहीं ना कहीं सुगमता और सरलता का एहसास होगा आने वाले समय में, भविष्य में। तो देखिए ये हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझा दिया कि आखिरकार किन किन योजनाओं का वो लोकार्पण करने वाले हैं और कौन सी बड़ी सौगातें मथुरा को देने वाले हैं। वीर नारायण शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। वीर नारायण, जरा बताइएगा मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, और चूंकि सीएम आ रहे हैं तो क्या वो फीडबैक भी लेंगे कि किस तरीके से जन्मोत्सव मनाया जाएगा, या क्योंकि विदेश से भी लोग आते हैं यहाँ पर, हम हर साल देखते हैं, तो इस लिहाज से भी बड़ी चुनौती हो जाती है सरकार के लिए। देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर के तैयारी बेहद खास चल रही है, क्योंकि इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए 2 दिवसीय दौरे वो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच रहे हैं। आज शाम मिनट की मिनट कार्यक्रम के अंतर में बता दूं कि आज शाम करीब 5:45 पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर है वो वेटनरी कॉलेज अनुसंधान केंद्र में लैंड करेगा और वहां से 6:30 यूपी के सीएम जो है वो प्रेक्षागृह पहुंचेंगे। प्रेक्षागृह में भगवान श्री कृष्ण जन्मस्थान से संबंधित जो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होने हैं उनका शुभारंभ वो करेंगे और वहीं से जो 137 विकास कार्य की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे, जिसमें और बरसाना श्री राधा रानी के रोपवे का उद्घाटन वहीं से किया जाएगा, गोवर्धन तहसील भवन जो बना है उसका लोकार्पण वो करेंगे, उसके बाद मल्टी स्टोरी जो पार्किंग बनाई है वहां से लोग, ऐसी तमाम जो 137 विकास कार्य योजना उनका लोकार्पण करेंगे। 583 करोड़ की योजना है, तो
बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री जब जब मथुरा आते हैं तो मथुरा को बड़ी बड़ी सौगात उन्होंने दी है, तो इसलिए ब्रजवासियों में काफी उत्साह है। आप बता दें कि भगवान कृष्ण का 5251वें जन्मोत्सव पर ये बड़ी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो मथुरा वासियों को देने वाले हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में देश और दुनिया से जो श्रद्धालु भक्तों का सैलाब है। अच्छा वीर नारायण, क्योंकि आप तो वहीं पर मौजूद हैं, जरा बताइएगा किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पूरी तरीके से दुल्हन की तरह मथुरा को सजा दिया गया है। हर बार की तरह हम देखते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा रही है और मथुरा से लेकर वृंदावन तक तमाम मंदिरों को सजा दिया जाता है, इस बार क्या आप तैयारियां देख रहे हैं? देखिए बेहद खास तैयारियां हैं जो ब्रज तीज प्रसाद के द्वारा की गई हैं। बात करें भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान को लेकर, तो पूरी तरह से दुल्हन की तरह मंदिर परिसर को सजाया गया है। चारों तरफ जो लाइटिंग है वो रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। खाली मंदिर ही नहीं बल्कि मथुरा के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो गोवर्धन हो, वृंदावन हो, बरसाना हो, जहां जहां प्रमुख मंदिर है उनके सभी मंदिरों के अलावा जो त्राहा चौराहा है उन्हें भी रोशनी से गुलजार कर दिया गया। चूंकि जितने भी भक्त आएंगे वो जैसे ही मथुरा में प्रवेश करेंगे उन्हें ये अद्भुत एहसास होगा कि भगवान कृष्ण की नगरी में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है, बड़े धूमधाम से मनाया। तो इसी को लेकर के जो खास तैयारियां जो है वो प्रशासन स्तर पर की गई हैं। और साल दर साल हम देखते हैं कि आयोजन को और ज्यादा बेहतर कैसे किया जाए, सरकारें इसको लेकर खासा प्रयासरत रहती है, इस बार भी लिहाजा क्या नया रहने वाला है और किस तरीके से इंतजाम होंगे, क्योंकि इसकी भव्यता को देखते हुए तमाम तरह की सुविधाएं भी होनी जरूरी है। विदेशों से भी यहाँ पर मेहमान आते हैं, दूर दराज से मेहमान आते हैं, लिहाजा उसके परिप्रेक्ष्य में भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया वीर नारायण आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिये आज मथुरा के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, 178 विकास परियोजनाएं ऐसी जिनका लोकार्पण और शिलान्यास खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, और चाहे वो रोपवे हो या फिर यमुना में क्रूज का संचालन हो या फिर अन्य परियोजनाएं ऐसी जिनका भविष्य में मथुरा वासियों को सीधा लाभ होता हुआ नजर आएगा। लेकिन हर बार मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम तरीके से, परंपरागत तरीके से, भक्तिभाव और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है, और ना केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन बल्कि इस